चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगन्नाथपुरी हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर साल भारी संख्या में लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां आते रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस मंदिर की महिमा और यहां से जुड़े चमत्कार देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज हम उन्हीं आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देख कर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं SD और ये है द एक्सप्लेन चैनल और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस सीरीज। जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। मंदिर के ऊपर से विमान क्यों नहीं उड़ते? Why planes don't fly over the temple? जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक आठ धातु चक्र है, जिसे नील चक्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र उड़ने वाले हवाई जहाजों के संचार में रुकावटें पैदा करता है और इसीलिए विमान मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक या तर्कसंगत तरीके से, तो पुरी भारत के हवाई यातायात मार्गों के अंतर्गत नहीं आता, जिस वजह से स्पष्ट कारण से विमान मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। हवा की दिशा को धता बताने वाला झंडा, द फ्लैग दैट डिफाइज विंड डायरेक्शंस। चाहे पानी में चलने वाला जहाज हो या हवा में सूख रहा कोई आम कपड़ा हो, उड़ने की दिशा वही होती है जहाँ हवा चल रही होती है। लेकिन इस मंदिर के ऊपर स्थित झंडा इस थ्योरी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये झंडा बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सुदर्शन चक्र की पहेली, मिस्ट्री ऑफ सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के रूप में मंदिर के शिखर पर दो रहस्य मौजूद हैं। पहली इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है कि ऊपर लगा चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। उस सदी में मानव शक्ति के साथ बिना किसी मशीनरी के वहां कैसे गया होगा। दूसरा चक्र की वास्तुशिल्प तकनीक है, क्योंकि आप इस चक्र को जिस भी जगह से देखेंगे आपको ये हर जगह से वैसा ही दिखेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे हर दिशा से एक जैसा देखने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। भोजन यहाँ कभी नहीं जाता व्यर्थ, द फूड इज नेवर फ्यूटाइल हियर। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है और मंदिर भी उसी चीज का अनुसरण करता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारिक रूप से प्रतिदिन तैयार किए जाने वाले प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी नहीं। दिन में नहीं आती समुद्र की आवाज का शोर, द म्यूट वाटर। मंदिर में चार दरवाजे हैं और सिंह द्वारम मंदिर का मुख्य द्वार है। जब आप इस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो आप लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, लेकिन जब आप सिंह द्वार के प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखेंगे तो आपको समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। जब आप मंदिर के बाहर आएंगे तब आपको फिर से लहरों का शोर सुनाई देने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि ये दो प्रभुओं की बहन सुभद्रा माई की इच्छा थी, जिन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना की थी, जिसे भगवान द्वारा विधिवत पूरा भी किया गया। का जादुई तरीका, मैजिकल वे ऑफ कुकिंग प्रसाद। प्रसादम पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारी के द्वारा काफी समय से अपनाया जा रहा है। ठीक 7 बर्तन एक दूसरे पर चढ़ाए गए बर्तन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जलाओ लकड़ी का उपयोग करके प्रसाद को पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पक जाती है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे के बर्तन का प्रसाद पक जाता है। मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरती पंछिया, नो बर्ड कैन फ्लाई ओवर द टेम्पल। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, ये थी पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यमय तथ्य, जिसे जानकर आपको भी आश्चर्यचकित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें।
हम जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।